मॉर्निंग स्टूडेंट्स, बेटा आज हम करेंगे लेसन 9, पाउंड ऑफ फ्लैश सेकेंड। ओके, पाउंड मतलब किलो, फ्लैश मतलब मास, एक किलो का मास, उसका पार्ट सेकेंड। हमने पहले पार्ट फर्स्ट किया था, अब है सीन थर्ड। बसेनियो एंड पोर्शिया सिटिंग ऑन अ बेंच इन द लॉन आउटसाइड देयर अपार्टमेंट, पोस्टमैन एंटर्स। जो बसेनियो और पोर्शिया दोनों जने थे वो कहाँ बैठे थे, बेंच के ऊपर बैठे थे, इन द लॉन, लॉन में, आउटसाइड दिया अपार्टमेंट, अपने अपार्टमेंट के बाहर। पोस्टमैन एंटर, इतने पोस्टमैन आया, प्रवेश किया पोस्टमैन। हियर इज ए लेटर फॉर यू मिस्टर बसेनियो, वो कहता है कि तुम्हारे लिए लेटर है यहाँ मिस्टर बसेनियो, बसेनियो से कहता है, बसेनियो कहता है थैंक यू, धन्यवाद। रिसीव्स द लेटर एंड रीड इट, उससे लेटर लिया और उसको पढ़ा। डियर बसेनियो, My ships have not arrived so far. The day of repayment is past. The Jew has filled a suit. Before I die, I would like to see you come immediately. उसके ऊपर, लेटर के ऊपर क्या लिखा था जब वो पढ़ रहा था, डियर बसेनियो, बसेनियो माय शिप हैव नॉट अराइव्ड सो फार, मेरी जो शिप है, जहाज है, वो अब और ज़्यादा दूर नहीं है जा रहा। द डे ऑफ रीपेमेंट इज पास्ट, और जो रीपेमेंट का डे था वो भी क्या हो चुका है, बीत चुका है। द ज्यू हैज फिल्ड ए सूट, उसने अब जो ज्यू था उसने क्या कर दिया है, अपना फिल्ड कर दिया है। बिफोर, पहले ही आई डाई, मैं मर जाऊंगा, आई वुड लाइक टू सी यू, और मैं तुम्हें देखना चाहता हूँ, कम इमिजिएटली, इसलिए तुम जल्दी से आ जाओ। यूर सिंसली एंटोनियो, किसको कौन कह रहा है, ये लेटर किसने लिखा है, एंटोनियो ने। किसको लिखा है बेटा, बसेनियो को। नेक्स्ट है पोर्शिया, पोर्शिया क्या कहती है, वाई डिड ही साइन सच अ बॉन्ड, ये क्यों, ये साइन क्यों दे रहा है वो इस बॉन्ड का। बसेनियो कहता है, ही थॉट ही शिप्स वुड सून कम बैक लेडन विद गुड्स एंड ही वुड मेक दी पेमेंट, वो कह रहा है वह सोचता है कि जो शिप थी वो जल्दी वापस आ जाएगी और मैं उस माल से, और मैं उसकी पेमेंट क्या कर दूंगा, दे दूंगा। पोर्शिया कहती है, एंड इज दैट डे पास्ट, क्या ये दिन बीत चुका है। बसेनियो कहता है, यस, हाँ, एंटियोज लाइफ इज इन डेंजर, जो एंटियो की लाइफ है वो अब क्या है, खतरे में है। पोर्शिया गोज इनसाइड, जो पोर्शिया होती है वो बेटा कहाँ जाती है, अंदर जाती है। बसेनियो, द ज्यू वुड नॉट स्पेयर हिम, वो ज्यू कहता है अब जो है वो नहीं बचेगा। ही वुड हैव द फ्लैश नियर दी हिज हर्ट कट ऑफ, अब जो उसके दिल के पास का टुकड़ा है वो क्या होगा, उसका फ्लैश कटेगा, मास। एंटोनियो वुड डाई, और एंटोनियो जो है वो मर जाएगा, फॉर ए फ्रेंड, किसके लिए, अपने दोस्त के लिए। पोर्शिया एंटर्स विद द पर्स इन हैंड, पोर्शिया अपने हैंड में क्या लेती है, पर्स लेती है। पोर्शिया, हियर आर 6,000 डकेट्स, वो कहती है मेरे पास 6,000 डकेट्स हैं, यू मस्ट गो, तुम जाओ, तुम्हें जाना चाहिए, एंड फ्री एंटोनियो इमिजिएटली, और एंटोनियो को आज़ाद यानी कि फ्री कर देना चाहिए। आई विश यू एंड एंटोनियो गुड लक, और मैं उम्मीद करती हूँ कि जो वो एंटोनियो के लिए क्या होगा, गुड लक होगा। नेक्स्ट, बसेनियो रिसीव्स दी पर्सन लीव, बसेनियो जो है वो पर्स लेता है एंड लीव, और चला जाता है, मतलब छोड़ जाता है। पोर्शिया राइट्स ए लेटर, पोर्शिया एक लेटर लिखती है एंड हैंड्स इट ओवर टू हर मैसेंजर, और मैसेंजर के हाथ वो क्या देती है, मैसेज देती है। पोर्शिया टू दी मैसेंजर, वो मैसेंजर से कहती है, टेक दिस लेटर, यह पत्र लो, टू बसेनियो, बसेनियो से, ही इज ए लॉयर, वो क्या है, एक लॉयर है। यू मेड हिज प्लेस, तुम उस स्थान को जानते हो, कम बैक इमिजिएटली, जल्दी से वापिस जाओ। पोर्शिया कहती है, गेटिंग सम पेपर्स रेडी, कुछ पेपर्स जो हैं वो मैंने क्या कर दिया, रेडी कर दिया है, एंड स्पीकिंग टू हर सेल्फ, खुद से कहती है। शाइलोक सीम्स हर्टलेसनेस, जो शाइलोक होता है वो ये सब क्या, दिल मतलब हर्टलेस होता है ना, जिसका दिल नहीं होता, वो यह सब देख रहा होता है बेदर्दी के साथ। वाई एट ऑल, क्यों ये सब, डिड ही सेव सच ए बॉन्ड साइन बाय एंटोनियो, जो इसको साइन को बचाना चाहते हैं। एंड वाई डिड एंटोनियो साइन, और एंटोनियो को क्या साइन है। फॉर बसेनियो सेक, बसेनियो के खातिर, आई मस्ट सेव एंटोनियस लाइफ, मैं एंटोनियो की जिंदगी जो है वो बसेनियो के लिए बचाऊंगी। पेसअप्स एंड डाउन मैसेंजर एंटर, मैसेंजर जो होता है वो क्या कहता है, प्रवेश करता है। मैसेंजर कहता है, मैडम, द लॉयर हैज गिवन दिस लेटर इन रिप्लाई टू यूअर्स, ही हैज ऑल्सो सेंट ए लेटर ड्रेस, लॉयर्स ड्रेस, सॉरी,
मैडम द लॉयर हैज़ गिवन दीज लेटर, जो लॉयर को हैं वो यह लेटर क्या होंगे हैं मिल चुके हैं, हैज़ गिवन दे दिए गए हैं, इन रिप्लाई टू योर, और तुम्हें रिप्लाई देने को कहा है, ही ऑल्सो सेंट ए लॉयर्स ड्रेस, और उन्होंने लॉयर की ड्रेस भी क्या की है भेज दी है। पोर्शिया कहती है रिसीविंग द लेटर एंड ड्रेस, मुझे वो लेटर और ड्रेस मिल गए हैं, थैंक यू वेरी मच, थैंक यू सो मच, गोज इनसाइड और अंदर चली जाती है। मैसेंजर टू हिमसेल्फ, अब मैसेंजर खुद से कहता है व्हाट विल पोर्शिया डू विद द ड्रेस, पोर्शिया इस ड्रेस का क्या करेगी, व्हाई डिड शी कंसल्ट ए लॉयर, क्या वो लॉयर से कंसल्ट करेगी। पोर्शिया एंटर्स विद अ बैग, पोर्शिया जो है वो एक बैग के साथ प्रवेश करती है, पोर्शिया लॉकिंग द डोर, डोर को लॉक करती है, यू कैन गो नाउ, तुम अब जा सकते हो, आई एम लिविंग फॉर वेनिस, मैं वेनिस के लिए जा रही हूँ, छोड़ के जा रही हूँ यहाँ से, आई शैल बी बैक विद इन अ कपल ऑफ डेज, मैं कुछ ही दिनों में कपल के साथ आऊँगी। मैसेंजर लीव यह मैसेज छोड़ के जाती है मैसेंजर के पास। पोर्शिया कहता है रीडिंग बलैलियोज लेटर अगेन, वो बलैलियो का जो लेटर होता है वो दोबारा पढ़ता है, बलैरियो हैज़ गिवन ए वेरी साउंड एडवाइस, जो वो है वो एक बहुत अच्छी साउंड में एडवाइस करके जाता है, सलाह दे के जाता है, सो नाउ इसीलिए अब आई कैन अपीयर एज ए लॉयर, मैं एक लॉयर लूँगा, ले सकता हूँ एंड प्लीड फॉर एंटोनियो, और एंटोनियो के लिए लड़ सकता हूँ, आई एम श्योर आई विल बी एबल टू डू समथिंग, मैं क्या हूँ श्योर हूँ कि मैं उसके लिए कुछ कर सकूँगा या कर पाऊँगा। अब है नेक्स्ट बेटा सीन फोर, ड्यूक इज कॉट, ड्यूक को कॉट में द ड्यूक इज सिटिंग विद हिज सेनेटर, जो ड्यूक है वो अपने सेनेटर के साथ बैठा है, बसैनियो एंड शाइलोक आर स्टैंडिंग बाय द ईस्टर्न वॉल ऑफ द रूम, बसैनियो और शाइलोक जो है वो कहाँ खड़े हैं, वॉल मतलब दीवार रूम के ईस्टर्न दीवार वाली साइड पे खड़े हैं, ईस्टर्न साइड पे, एंटोनियो इज स्टैंडिंग इन द डॉक, एंटोनियो जो है वो उस डॉक के सामने खड़ा है, पोर्शिया एंटर्स इन द गाइस ऑफ ए लॉयर, जो पोर्शिया है वो एक लॉयर के रूप में वहाँ पे क्या होती है एंटर करती है। पोर्शिया हैंडिंग ओवर अ लेटर टू द ड्यूक, और वो ड्यूक को वो लेटर देती है, माई लॉर्ड हियर इज ए लेटर फॉर बलैरियो, यह बलैरियो का लेटर है, ही हैज रिप्यूटेड मी टू प्लीड फॉर एंटोनियो, जो कि मुझे किसके लिए एंटोनियो से प्लीड उसकी तरफ से मतलब लड़ने के लिए दिया गया है। ड्यूक रीडिंग द लेटर एंड पासिंग इट ऑन द अदर सेनेटर, वह लेटर पढ़ के वो दूसरे सेनेटर को क्या कर देता है पास कर देता है। मिस्टर बलैरियो इज सिक, अब जो मिस्टर बलैरियो होते हैं वो क्या होते हैं बीमार होते हैं, ही वेंट इज दिस ही वेट दिस यंग लॉयर टू प्लीड हिज प्लेस, और वो जो उस वो चाहते हैं कि जो ये यंग लॉयर है वो इस स्थान पर क्या करे लड़े उनकी जगह। सेनेटर कहता है शी शुड बी परमिटेड, उनको क्या दे देता है परमिट कर देता है लड़ने के लिए, कर देना चाहिए। पोर्शिया थैंक यू माई लॉर्ड, लॉर्ड्स लुक्स अराउंड एंड एड्रेसेस शाइलोक, यह सब चारों ओर से वो देख रहा होता है और शाइलोक उसको एड्रेस कर, मिस्टर शाइलोक हैज द डेट फॉर रीपेमेंट ऑफ लोन एक्सपायर्ड, मिस्टर शाइलोक को कहते हैं जिस डेट को तुमने यह रीपेमेंट करनी थी जो लोन दिया था वो तो क्या हो गया अब एक्सपायर हो चुका है। शाइलोक यस सर, हाँ सर। पोर्शिया कहती है व्हाट डू यू वांट नाउ, अब तुम क्या चाहते हो। शाइलोक कहता है आई वांट ए पाउंड ऑफ फ्लैश फ्रॉम नियर एंटोनियो हार्ट, मैं एंटोनियो के दिल के पास का क्या लेना चाहता हूँ, 1 किलो मास लेना चाहता हूँ। पोर्शिया कहती है व्हाट वुड यू से इफ एंटोनियो पेज द मनी हियर एंड नाउ, अगर तुम्हें मतलब एंटोनियो ये कहे कि मैं अगर तुम्हें पैसे पे कर दूं अभी, वो क्या कह रही है अगर वह तुम्हें अब पैसे पे कर दे तो तुम क्या चाहोगे। बस एनियो कहते हैं आई एफर टू पे बैक द लोन एज मैनी टाइम्स ओवर एज शाइलोक वांट्स, मैंने शाइलोक के हिसाब से मैंने इसको कई बार क्या किया है ऑफर किया है इसके पैसे लोन के वापस लौटाने का। शाइलोक नो नहीं, आई वुड गो ओनली बाय द टर्म्स ऑफ द बॉन्ड, मैं अब नहीं लूंगा मतलब मैं अपने बॉन्ड के अकॉर्डिंग ही चलूंगा। पोर्शिया कहती है शाइलोक आई वुड रिक्वेस्ट यू टू बी मर्सीफुल एंड एक्सेप्ट द मनी, मैं तुमसे विनती करती हूँ बहुत दयालुता के साथ कि तुम यह पैसे ले लो एक्सेप्ट कर लो। शाइलोक कहता है नो नहीं नेवर कभी नहीं। पोर्शिया कहती है ऑल राइट ठीक है टू एंटोनियो, एंटोनियो नाउ यू गेट रेडी एंड बेयर योर चेस्ट फॉर द नाइफ, हैव यू एनीथिंग टू से, वो कह रहा है एंटोनियो से कहती है पोर्शिया कि क्या तुम तैयार हो अपनी चेस्ट के पास चाकू मार के वो क्या देने का
मास देने के लिए, हैव यू एनीथिंग टू से, या तुम कुछ कहना चाहते हो? एंटोनियो कहता है नथिंग, नहीं, थैंक यू, धन्यवाद, आई एम रेडी टू डाई, मैं मरने के लिए तैयार हूँ। पोर्शिया कहती है टू शाइलोक, शाइलोक से, शाइलोक द स्किल्स आर रेडी टू वेट द फ्लैश, क्या स्किल रेडी है मास निकालने के लिए? बट बिफोर यू कट ऑफ द फ्लैश प्लीज सी दैट देयर इज अ सर्जन नियर बाय टू सेव एंटोनियो लाइफ। वो कहता है लेकिन पहले उस मांस को काटने से पहले यहाँ पे एक सर्जन लाया जाए जो इसके दिल के पास से क्या कर सके, मांस निकाल सके और एंटोनियो की जिंदगी बच जाए। शैलो कहते हैं लर्न लॉयर, इट इज़ नॉट मेंशन इन द बॉन्ड, ध्यान से पढ़िए लॉयर, यहाँ पे ऐसा कोई मेंशन नहीं है, इस बॉन्ड के अंदर ऐसा कुछ भी मेंशन नहीं है। आई विल नॉट परमिट ए सर्जन टू कम नियर एंटोनियो, कि मैं कोई भी सर्जन जो है वो परमिट करूँगा एंटोनियो के लिए। पोर्शिया कहती है ऑल राइट, ठीक है शैलो, गो ए हेड एंड कॉट वन ऑफ पाउंड ऑफ फ्लैश एज यू लाइक, ठीक है तुम जाओ और उसके क्या कर लो, एक किलो मांस जो आपने मांगा था वो आप कट कर सकते हो जैसे तुम चाहते हो। शैलोक एडवांसेस टुवर्ड्स एंटोनियो विद नाइफ इन हैंड, शैलोक जो है वो उसके पास क्या करने लग जाता है, उसके अपने नाइफ जो है वो हाथ में उठाता है और उसके पास जाने लगता है। पोर्शिया कह रही है वेट शैलोक, इन रुको शैलोक, हैव यू रीड द बॉन्ड, क्या तुमने बॉन्ड को पढ़ा है? यू कैन ओनली कट द फ्लैश, कि तुम सिर्फ क्या करोगे मांस काटोगे, द बॉन्ड Does not permit you to shed even one drop of blood. इस बॉन्ड के अंदर ये कहीं नहीं लिखा है कि तुम उसका खून भी निकालोगे। मतलब पोर्शिया ने यहाँ पे क्या किया गया है, उसके खिलाफ केस लड़ रही है और उसने अपना दिमाग चला के ये चीज़ कही है कि तुमने इस बॉन्ड के अंदर ये लिखा हुआ है कि तुम उसका मांस काट सकते हो, लेकिन उसमें ये कहीं नहीं लिखा कि उससे क्या निकलेगा, खून निकलेगा। वो वही कहती है परमिट शेड इवन वन ड्रॉप ऑफ ब्लड, की कोई भी एक टुकड़ा जो है ब्लड का नहीं गिरना चाहिए। शैलोक लुक्स डिफिटेड, ना ही शैलोक को कोई नुकसान होना चाहिए, ठीक है। नेक्स्ट है पोर्शिया, पोर्शिया कहती है टू शैलोक, शैलोक से, इफ इन कटिंग द फ्लैश यू शेड ए सिंगल ड्रॉप ऑफ ब्लड यू शैल फॉरफेट यूर हॉल प्रॉपर्टी, दिस इज द लॉ ऑफ वेनिस। वो कहता है इफ इन कटिंग द फ्लैश, अगर मैं उसका मांस काटूंगा तो क्या होगा, सिंगल ड्रॉप तो ब्लड की क्या होगी, गिरेगी ही सही, यू शैल फॉरफिट यूर हॉल। वो कहता है कि जो अब मांस, आपको भी पता है बेटा कि कहीं से हमारे हाथ पे भी कहीं छोटा सा निशान लग जाए तो उससे क्या हो जाता है, उसी टाइम ब्लड आने लग जाता है ना, तो वही वो तो फिर एक किलो मांस कह रहा है वो भी दिल के पास से, तो आप खुद समझदार हो कि कितना ब्लड वो होगा। तो वो वही कह रहा है कि यहाँ पे तो क्या है, शेड बन जाएगा, मतलब एक तरीके से खून की बहार हो जाएगी, और तुम तो कह रही हो कि एक बूंद भी नहीं गिरनी चाहिए, यू शैल फॉरफिट योर होल प्रॉपर्टी, तुम्हें उसकी पूरी प्रॉपर्टी का, उसके दिस इज द लॉ ऑफ वेनिस, वेनिस के लॉ के अकॉर्डिंग तुम्हें उसकी पूरी प्रॉपर्टी देनी होगी। शैलोक कहते हैं देन आई एक्सेप्ट द मनी, मुझे पैसे मंजूर हैं। उसके अंदर ये था वेनिस के अंदर कि अगर आप किसी की वो करते हो, मांस काटते हो और अकॉर्डिंग टू बॉन्ड निकलता है तो आपको उसकी अपनी पूरी प्रॉपर्टी उसको देनी होगी। तो शैलोक इस बात की मंजूरी दे देता है, मतलब वो अपनी प्रॉपर्टी नहीं देता, वो ये कहता है कि मैं पैसे लेने के लिए तैयार हूँ। पोर्शिया कहती है नो, नहीं, अब देखो उसी की चाल उसी पे भारी पड़ गई ना, ही कैन नॉट एक्सेप्ट द मनी नाउ, मैं अब मनी एक्सेप्ट नहीं करूँगी, ही हैज कंस्पायर्ड अगेंस्ट द लाइफ ऑफ ए सिटीजन, तुमने तो किसकी, उसकी जिंदगी, उस सिटीजन की जिंदगी के अगेंस्ट तुमने वो किया था। अकॉर्डिंग टू द लॉ के हिसाब से ऑल हिज वेल्थ इज फॉरफिटेड, जो उसकी वेल्थ है वो क्या है, सबसे ज्यादा फॉरफिटेड है, टू द ड्यूक, किसको कहती है, ड्यूक को कहती है। नाउ द जजमेंट लाइज विद यू, अब क्या हो रहा है, ये जजमेंट गलत हो रही है, झूठी हो रही है तुम्हारे हिसाब से माई लॉर्ड। ड्यूक कहता है द कोर्ट्स पार्डन शैलोक हिज लाइफ, कोर्ट कहता है कि तुम नहीं शैलोक की जिंदगी क्या कर दो, बचाओ। एज फॉर हिज वेल्थ, उसकी वेल्थ को, हाफ ऑफ इट शैल गो टू एंटोनियो एंड हाफ द अदर हाफ टू द स्टेट, जो कुछ पैसा है वो तो किसको दो, एंटोनियो को, और बाकी किसको दो, स्टेट को दो।